बेसन से पाए बेदाग निखरी चमकदार स्किन, पहली बार में दाग धब्बे गायब। मौसम मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास लोगों को पसंद में आता होगा। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद में नहीं आता है। 5 मिनट के लिए अगर बाहर निकलना पड़े, स्किन के ऊपर इतना ज्यादा गंदगी, धूल, मिट्टी बैठ जाती है कि दिल करता है कि घर से बाहर ही। आज की रेमेडी जेंट्स के लिए भी है, मतलब कि आदमी भी इसको लगा सकते हैं, लेडीज भी इसको लगा सकती हैं। अगर आपके बच्चे बाहर बहुत ज्यादा आते जाते हैं, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, अगर उनका भी बाहर आने जाने का काम है, तो प्लीज ये रेमेडी उनको भी बना के दीजिए। इन दोनों रेमेडीज को आप बनाकर घर में फ्रिज में रख सकते हैं। जब आप कहीं बाहर से आए, आप इसको लगाइए अपने चेहरे के ऊपर, 2 मिनट मसाज कीजिए और देखिए आपका चेहरा। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा कालापन, पिगमेंट बन रहा है, स्किन के ऊपर टैनिंग बहुत ज्यादा है, एक्ने के पिंपल निशान छूट गए हैं आपके चेहरे के ऊपर, तो आपको इस रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज तक करिए, आपको अपने उन निशानों को धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए देखने का मौका मिलेगा। आज की रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा घरेलू है, कोई इसमें सामान एगड़म शगड़म कुछ बाहर का नहीं लगना है, तो अगर ट्राई कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बूस्ट अप आपसे चाहूंगी, क्योंकि मैं रेमेडीज इतनी अच्छी अच्छी बना के लाती हूँ आपके लिए और अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है एक लाइक देने का। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक देने में कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। विद बेल आइकॉन करेंगे तो फ्यूचर वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले खाली बाउल लेंगे और खाली बाउल में हम लेंगे 2 से 3 चीजें ऐसी जो स्किन को स्क्रब करेंगी, स्किन को एक्सफोलिएट करेंगी। तो मैं आपको ऑप्शन भी साथ साथ में दे दूंगी, इनकेस अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरी क्या डाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ले लो कॉफी, ठीक है। कॉफी देखिए हर घर में बहुत आसानी से पाई जाती है, तो इसकी जगह क्या आप ऑप्शन लोगे। लेकिन कॉफी क्या करती है ना, कॉफी आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से पॉलिश करती है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और कॉफी में गुण पाए जाते हैं हमारी रंगत को निखारने के, संवारने के। कॉफी जब हमारी स्किन के ऊपर लगती है तो आप 2 से 3 टोन तक अपनी स्किन के कलर को चेंज होता हुआ देखेंगे। तो हमने क्या करना है, एक कॉफी का पैकेट 2 रुपीज वाला मैंने लिया है और इस 2 रुपीज वाले में करीब करीब 1 चम्मच कॉफी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर मान लो आज आपको ये रेमेडी करनी है और अभी आपके घर में कॉफी नहीं है, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया है। अब मैं डाल रही हूँ जी दूसरी चीज जो की मेरी मोस्ट फेवरेट है और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप एक बार इसको यूज कर लोगे, आप इसको हर रेमेडी में यूज करना चाहोगे। इतनी ज्यादा ये पावरफुल है कि आपकी स्किन की पुरानी से पुरानी गंदगी को खींच के बाहर निकालती है, आपकी स्किन के ऊपर जमी हुई जितनी भी डेड स्किन होती है, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन एकदम मुलायम हो जाए, मक्खन के जैसे लगे, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन एकदम कोरियन वुमेन्स की जैसे, किसी उनकी स्किन इतनी ज्यादा शाइन करती है, इतना ज्यादा ब्राइट। ये देखिए मेरी स्किन के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया और मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, मेरी स्किन आपको दिख रही है कितनी ज्यादा स्मूथ है। तो इसके पीछे राज क्या है, राज यही है क्योंकि इस रेमेडी को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ में दोबारा से अभी शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी को करने के बाद में आपको अपनी स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ लगेगी, ये देखिए कितनी ज्यादा प्लम्पी लग रही है। क्या कोई बोल सकता है कि मैंने कोई बेस या मेकअप लगाया? हाँ, मैंने लिपस्टिक लगाई है जो कि मेरा दिल करता है, मुझे तैयार होकर रहने का दिल करता है। मैंने मेरा आईज का मेकअप किया जो कि मेरे सूट के साथ मैच करता है, लेकिन यस मैंने कोई भी बेस नहीं लगाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई फेस के ऊपर बेस नहीं है। तो क्या रीजन है मेरी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करती है, इतनी ज्यादा शाइन करती है? उनके पीछे रीजन है मेरा इस खांड को यूज करने का। देखिए मेरी मोस्ट ऑफ द रेमेडीज में मेरे सारे फैमिली मेंबर जानते हैं, जो मेरी रेखा सिंह लाइफ फैमिली है वो जानते हैं, मेरी बहुत सारी रेमेडीज में मैंने इस खांड को यूज किया है और ये हर बार मेरे राशन के सामान में एड ऑन जरूर होती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपकी पुरानी से पुरानी डेड स्किन को खींच के निकाल देती है और स्किन एकदम चिकनी स्मूथ कर देती है। तो हमने क्या करना है, हमने लिया है 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच हम इसमें खांड डालेंगे। अब इसमें तीसरी चीज हम क्या डालेंगे जी, तो तीसरा चीज जो हमने डालना है वो है जी टमाटर। अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर चाकू गिर गया था। देखिए मैं टमाटर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर बहुत ज्यादा यूज में आता है और मेरी स्किन को बहुत ज्यादा सूट करता है। लेकिन अगर आपके पास में नींबू है और आपको नींबू सूट करता है तो आप इसकी जगह पे यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको नींबू ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ड्रॉप्स, क्योंकि नींबू एकदम डायरेक्ट फॉर्म में आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।
आपकी स्किन के जो टिश्यूज है उनको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देगा एक्चुअली, और उसके बाद आपको अपनी स्किन के ऊपर ईचिंग होगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ डायरेक्टली, मैं बता रही हूँ। इसलिए मैं टमाटर लेने के लिए सजेस्ट करती हूँ। टमाटर आप डायरेक्ट भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो टमाटर को आपने इसका जो जूस है वो इसमें आपने ले लेना है, लेकिन टमाटर को फेंकना नहीं है क्योंकि टमाटर अभी आगे आपको यूज में आएगा, ठीक है। वो चीज तो वो है जी हमारा एक चम्मच बेसन, ठीक है जी। एक चम्मच ही बेसन आपने इसमें डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सारी चीजें आपने क्वांटिटी के हिसाब से ही लेनी है। जैसे कि हमने एक चम्मच कॉफी ली है, एक चम्मच हमने खांड लिया है और एक चम्मच के आसपास ही इसमें जूस गया है हमारा टमाटर का, तो हमने एक चम्मच ही इसमें बेसन ले लेना है, ठीक है जी। ध्यान में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी स्किन की एजिंग के साथ साथ में हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। साथ साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि रेमेडी को मैंने किया किस तरीके से, तो आप प्लीज आप यहाँ पे नोटिस भी करते जाएगा। रेमेडी मैं बना रही हूँ और साथ में मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसको लगाना है, तो प्लीज देखते भी रहिए और बनाना भी सीख लीजिए, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ये अब हमारा स्क्रबर तैयार है, जिसको कि हमने फर्स्ट स्टेप में करना है, जो कि हमारी स्किन की डेडनेस को, हमारी स्किन की डेड स्किन को बहुत आसानी से रिमूव कर देगा। इसको करना कैसे है, लगाया कैसे है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही है। अब हम तैयार करते हैं हमारा फेस पैक, जो कि हमारी स्किन को टाइट करेगा, एजिंग की प्रॉपर्टीज भी है, स्किन को डार्कनेस से बचाएगा, स्किन के कालेपन के ऊपर काम करेगा और स्किन को एकदम क्लीन एकदम स्मूथ बना देगा हमारा आज का ये पैक। ये पैक आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं। इस पैक को आप घर आने के बाद में, जैसे ऑफिस से घर आ रहे हैं और आपको स्क्रबिंग की आज जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली इस पैक को भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या लेना है, इसके लिए हमने लेनी है जी एक चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को हटाती है, आपकी स्किन के ऊपर बने हुए किसी भी प्रकार की डेपोजिशन को हटाती है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो होती हैं। और उसके साथ में सेकंड जो इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं वो है जी बेसन, ठीक है। एक चम्मच ही हमने मुल्तानी मिट्टी ली है, एक चम्मच ही हमने इसमें बेसन लेना है। क्वांटिटी प्लीज आप संभाल के लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि दी कितने चम्मच आपने क्या चीज ली है, तो ध्यान से देखिएगा। एक चम्मच बेसन है, एक चम्मच ही मैंने देखिएगा, एक चम्मच ही हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी ली है, यानी कि फुलर अर्थ लिया है, और एक चम्मच ही हमने इसमें बेसन लिया है। अब देखिए दो चीजें तो हो गई जो कि हर घर में हमेशा पाई जाती है। ये जो मैं तीसरी चीज आपको दिखा रही हूँ, ये आपको ऑनलाइन मंगा के रखनी है, मेरे पास तो भर भर के रखी हुई है क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज में लाती हूँ, और इसकी जगह पे आपको किचन वाली नहीं यूज करनी है। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कस्तूरी हल्दी की। देखिए किचन वाली जो हल्दी है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल जरूर मिक्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन को ना पीला कर सकते हैं। तो पैक लगाने के बाद में अगर आपको अपना चेहरा पीला दिखे तो गलती आपकी होगी, अगर आप किचन वाली हल्दी यूज कर रहे हैं तो बेटर है कस्तूरी हल्दी, अंबा हल्दी यूज कर लीजिए, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने करीब करीब 1/4 स्पून इसमें लिया है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा बना के रखना चाहते हैं, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मान लो आप एक हफ्ते का बैच एक ही बार में तैयार करके रखना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में। मैं इसको मिक्स करने के लिए बाद में बताऊंगी किसके साथ आपको अपनी स्किन को लगाना है, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कैसी है, उसके ऊपर कैसे लगाना है आगे बताती हूँ। लेकिन पाउडर फॉर्म में आप इसको बना के रख सकते हैं, सुबह शाम आप दोनों टाइम भी इसको अपने चेहरे पर लगा सकते हैं एज ए फेस वॉश। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, पिंपल, एक्ने के निशान नहीं दिखाई देंगे। रेमेडीज को स्किन के ऊपर आपको डेफिनेटली रिजल्ट पक्का दिखाई देगा। तो ये हमने तीन चीजें मिक्स कर ली हैं, ठीक है। मैंने बनाया है एक दिन का बैच, यानी कि आज के लिए, आप इसको ज्यादा बना के भी रख सकते हैं। इसके साथ में अब क्योंकि हम पैक बनाने ही वाले हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल में भी प्रॉपर्टीज होती हैं एजिंग की। सॉरी ये पीछे चले जाता है। एलोवेरा में एजिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके साथ ये स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। तो ये देखिए मैंने करीब आधा चम्मच भर के इसमें एलोवेरा ले लिया है, ठीक है। हमने एलोवेरा, अब इसके साथ हम मिलाएंगे कच्चा दूध। देखिए ये एकदम ठंडा दूध है, कच्चा दूध है, हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिलाएंगे यूज करने के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें रोज वाटर मिला सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दही मिला के भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें दही मिलाएंगे तो आपको जो एलोवेरा है उसको आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि जब हम एलोवेरा को दही के साथ मिलाते हैं तो दही फट जाता है
और उसके बाद में वो रेमेडी किसी काम की होती नहीं है। तो अगर कोई आपको बोले दही के साथ में एलोवेरा मिक्स करके लगा लो, तो नहीं, उसका कोई यूज नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूध के साथ में एलोवेरा बहुत अच्छा जाता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पेस्ट, ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। लगाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, किस तरीके से लगाना है, दोनों चीजें बना के मैंने आपको दिखा दी है। इनको रेगुलर यूज कीजिए, स्किन के ऊपर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई देगा। आशा करती हूँ आपको आज की रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद में आई होगी, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इतनी ज्यादा यूजफुल है कि इसको करने के बाद में आप आके मुझे कमेंट करना नहीं है। नेक्स्ट रेमेडी के साथ में जहाँ फिर से शेयर करूंगी आपके साथ में, आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेटिव रेमेडी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, कुछ रेमेडी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट करिए। इंस्टा के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, फॉलो करके रखिएगा इंस्टा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज वहां पर अपलोडेड है। स्नैपचैट के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, उसकी भी आईडी आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक के सारे पेजेस को लॉगिन करके रखिए, फॉलो करके रखिए, क्योंकि बहुत से वीडियोस वहां पर भी देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में, जहां पर फिर से शेयर करूंगी आपके लिए आपकी कोई रेमेडी जो आपकी पसंद की होगी।